हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नारियल के लड्डू की रेसिपी। ये रेसिपी देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही मज़ेदार भी है। बहुत ही टेस्टी है और झटपट बन जाती है। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए होगी: डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा 2 कप, और कंडेंस्ड मिल्क 1 कप। कंडेंस्ड मिल्क मैंने इधर यूज़ किया हुआ है, नेस्ले का मिल्क मेड कंडेंस्ड मिल्क। इसके साथ साथ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को एक सेपरेट प्लेट में भी ले लिया है, जिससे हम अपने नारियल के लड्डू का कोटिंग तैयार करेंगे। आइए अब हम लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। ये 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नेस्ले मिल्क मेड का कंडेंस्ड मिल्क। ये करीब 1 कप कंडेंस्ड मिल्क मैं ऐड करने वाली हूँ। याद रखिए, कंडेंस्ड मिल्क अगर कम होगा तो आपका नारियल का लड्डू बहुत ही ड्राई बनेगा, सूखा लगेगा। रादर आप थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क का प्रोपोर्शन ज़्यादा ही रखेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और गुई लगेगा, जिसकी वजह से मुँह में जाते ही ये घुलने जैसा एहसास देगा। अब हम दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने हाथों से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम थोड़ा सा लड्डू लेके अपने हाथ से शेप देने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये अच्छे से फॉर्म हो चुका है। अब हम बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। जितना इसमें कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उतना आपको लड्डू फॉर्म करने के लिए प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसे आराम से अपने हथेलियों में लेके सॉफ्टली अपने हाथों से लड्डू का शेप दे दें। एक बार लड्डू फॉर्म हो जाए तो उसे नारियल के बुरादे से कोट कर दें। इंश्योर करें कि चारों तरफ से अच्छे से नारियल के बुरादे से कोटिंग हो जाए। ये देखिए, हमारा नारियल का लड्डू अब तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस मिक्सचर को इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर लें और फिर लड्डू बनाना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपके सारे लड्डू एक ही साइज़ के बनेंगे और दिखने में भी अच्छे लगेंगे। इस नारियल के लड्डू का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई भी कुकिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, तो कोई भी त्यौहारों पर आप अपने बच्चों से भी ये बनवा सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। कोटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप नारियल के बुरादे को लड्डू पे ज़्यादा प्रेस करके ना कोट करें। इससे क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो लड्डू का टेक्सचर ख़राब हो सकता है, इसलिए आप हल्के हाथों से उसे लड्डू के बुरादे से कोट करें। और ये लीजिए, हमारा नारियल का लड्डू बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसे पिस्ता, बादाम या काजू से गार्निश करके भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता यूज़ किया है। पिस्ता के लंबे लंबे स्लाइसेस काट लिए हैं और उसको मैं अब लड्डुओं के ऊपर डाल रही हूँ। ये टेस्टी सी रेसिपी आप ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।